वेलकम इन स्पोर्ट्स क्लब गाइस, मैं हूँ यश। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब का टीम स्क्वाड एनालिसिस। और इस शो के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस टीम की जिस टीम का नाम है रॉयल राजस्थान, और जिसको कहते हैं दाल बाटी चूरमा राजस्थान सूरमा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब। लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी टीम का एनालिसिस करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि उनके की प्लेयर्स और उनके टीम पर नज़र डाली जाए। तो नज़र डाली जाए अनकैप्ड प्लेयर जो कि हैं इनके पास, राहुल तेवाटिया जो कि टीम के इर्द गिर्द आ चुके हैं। कब वो फट से फिंगर टच होगी और वो तुम आ जाओ टीम में, उस तरीके से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कार्तिक त्यागी भी इंडियन टीम के इर्द गिर्द पहुँचने ही वाले हैं, और आगे उनके अनकैप्ड प्लेयर की बात करें तो उनमें यशस्वी जायसवाल हैं, आकाश सिंह हैं, रियान पराग सेंसेशनल पराग, साथ में श्रेयस गोपाल हैं। तो ये वो कुछ प्लेयर हैं। इनकी थोड़ी सी हम बात करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि भैया ये एक छोटे छोटे प्लेयर, छोटे छोटे फॉर्म, छोटे छोटे कंट्रीब्यूट को मिलाकर पांच उंगली बनते हैं, और पांच उंगली बनकर मुट्ठी बन जाते हैं, और मुट्ठी कर लेते हैं बंद, और इनका काम हो जाता है बेंच लोग से थोड़ा बहुत, बटलर से थोड़ा बहुत, सबसे थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट लिख कर ये अपना काम चला लेते हैं। ये अपने काम को हैंडल करना जानते हैं, ये पांच उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी बनाना जानती है। इसलिए राजस्थान की टीम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, लेकिन एंटरटेनमेंट साइज बहुत है ये। दूसरी स्ट्रेंथ मेरे पास इनकी मुझे ये नज़र आती है कि इनका ओवरसीज फॉरेन डिपार्टमेंट बड़ा बेहतरीन नज़र आता है। दोस्तों, अगर उनके आठ प्लेयर की बात करें, डेविड मिलर, एंड्रयू टाइम, मुस्तफ़िज़ुर रहमान और जौफरा आर्चर, बेन स्टोक, जॉस बटलर, और बात करें तो क्रिस मॉरिस, ये वो बड़े प्लेयर्स हैं जो इनके पास रहे हैं। हालांकि मॉरिस इट्स अ फैंटास्टिक बाय, 16.25 करोड़। ऐसे प्लेयर जिन वो थोड़े इंजरी प्रोन रहते हैं, थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रहते, हालांकि फिर भी एक फैंटास्टिक बाय जरूर है। और आर्चर नहीं उपलब्ध रहेंगे शुरुआती मुकाबले में, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। 12 अप्रैल 22 मई तक का सफ़र रहने वाला है 14 लीग फेसेस के मुकाबलों में। पंजाब के साथ शुरुआत होगी, पंजाब के साथ ही अंत होगा। वानखेड़े के मैदान पर स्टार्टिंग है, इसलिए यशस्वी का चलना, सैमसंग का चलना और जयदेव उनादकर का चलना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर तो फॉरन प्लेयर को काम आ जाएंगे, बेंचों के दोस्त पटक, ये छोटे मैदान है, हार्ड हिटिंग मैदान है, यहाँ पर आपको ओवरसीज काम चल जाएगा। लेकिन जब आप चेन्नई जाएंगे, जब आप अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ फंसेंगे, वहाँ आप इंडियन प्लेयर से उम्मीद करेंगे। हालांकि धवल कुलकर्णी, यदिन क्या रहाणे, बड़े बड़े प्लेयर्स को छोड़ना ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अब यंगस्टर के साथ जा रहे हैं, यंगस्टर के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि क्या करती है टीम, ठीक है, कहाँ तक पहुँच सकती है टीम। ये टीम पहुँच सकती है मिड टेबल टीम है, 6 मिड टेबल से थोड़ा सा नीचे, 6 नंबर 7 पर 8 पर, क्या देखते हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि 8 पर भी फिनिश कर सकती है टीम। तो मजबूत है, लेकिन टॉप 4 में चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पंजाब, ये सब सारे रेस में हैं। मुश्किल ज़रूर है इनके लिए राजस्थान, बट कुछ भी हो सकता है भैया, आईपीएल इंटरेस्टिंग है। लास्ट फाइनली इनकी प्लेइंग 11 की कोशिश करते हैं। देखिए, बेन स्टोक और बटलर जिस तरीके से पिछले सीजन ओपनिंग करी थी, हो सकता है वही कॉम्बिनेशन हो, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन। यशस्वी का सीजन एवरेज रहा था, बट संगकारा की कोचिंग से शायद सैमसंग पर, ये माफ़ कीजिएगा, यशस्वी पर इन्वेस्ट करें। तो सैमसंग एट 3, रियान एट 5, बेन स्टोक एट 4, रियान एट 5, 6 पर आप तेवाटिया भी हो सकते हैं, सीएम दुबी भी हो सकते हैं। सीएम दुबी इज अ फैंटास्टिक बाय, बॉलिंग साथ में बैटिंग ओवरऑल अच्छा है। आरसीबी ने इन पर इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब कुल मिलाकर अच्छा काम काज हो गया। सी, इन्होंने बॉलर्स को छोड़े और लिया नहीं, उमेश यादव वो सस्ते में बिच गए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स बिक गए, आपने लिया नहीं, ये थोड़ा मुश्किल से जरूर है, बट चल जाएगा कामकाज।
आगे अगर बढ़ते हैं, चलिए शुरुआती मुकाबले में आप कहते हैं कि भाई हम दुबे को साथ चले जाते हैं, नंबर 7 पर हम तेवाटिया को रख लेते हैं क्योंकि हमारे 2 फ़ौरन हो गए, तो हम 8 पर हम श्रेयस गोपाल को रख लेते हैं। ओके, फिर हम कहते हैं कि भाई 9-10 पर मुजीब और टाई, 11 पर हो गए उनादकट। ये आपके 2-3 अच्छे गेंदबाज हो गए, तो आपका काम इस तरीके से टोटल फुल सुकून लगा चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले शो में।